बच्चों हम अपने आसपास तरह तरह के पौधे देखते हैं, उनके पार्ट्स लगभग समान होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेरे और आपके बॉडी पार्ट्स समान हैं, जैसे हाथ, मुंह, नाक, कान इत्यादि। तो आज हम पौधों के भिन्न भिन्न पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक पौधा लिया है जड़ सहित, और उसको समझाने के लिए एक सीजर ली। इस पौधे का वो भाग जो कि भूमि के नीचे होता है उसको हम जड़ कहते हैं। ये जड़ पौधे को भूमि के नीचे जकड़े रखने में सहायता करती हैं, और साथ ही भूमि में से पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। इन रूट्स ये रूट्स पौधे का वो भाग जो कि भूमि के ऊपर होता है उसको हम स्टेम कहते हैं या तना कहते हैं। ये स्टेम पौधे को सीधा खड़ा करने में सहायता करती है, और साथ ही जो पानी जड़ों ने एब्जॉर्ब किया था उनको स्ट्रॉ की तरह पौधे के भिन्न भिन्न भागों में भेजने में मदद करती है। ये स्टेम पौधे को सीधा खड़ा करने में सहायता करती है, और जो पानी जड़ों ने भूमि से अवशोषित किया था उनको स्ट्रॉ की तरह पौधे के अन्य भागों में भेजने में मदद करती है। बच्चों हम इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर हरे रंग की स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ये हरे रंग की स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये है पत्तियां। ये पत्तियां क्या करती हैं? ये पत्तियां हमारे किचन की ये पत्तियां हमारे पौधे की किचन हैं। ये पत्तियां सूरज के प्रकाश में भोजन को बनाती हैं और पौधे को भोजन देती हैं। और ये जो स्टेम है, स्टेम का दूसरा भाग, ये स्टेम पौधे द्वारा भोजन बनाया हुआ है पौधे के अन्य भागों में भेजती हैं। जो पौधे के सबसे ऊपर एक बहुत आकर्षित स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम फ्लावर्स कहते हैं। ये फ्लावर्स इस वातावरण को सुगंधित कर बनाते हैं और हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन फ्लावर्स से हमें फल और बीज मिलते हैं, और इन्हीं बीजों से ही नए पौधे जन्म लेते हैं।